अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है, मैथ सेंट्रिक फार्मूला चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ए टेन, ए टेन टू और ए टेन एच की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ए टेन की। इधर आ जाते हैं, ए टेन होता क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी रेडियन नंबर जैसे कि माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू की रेंज, ठीक है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की रेंज का हो, उसका आर्क टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इक्वल्स टू ए टेन, ठीक है, पेरेंथेसिस ओपन। देखिए ये हमसे क्या मांग रहे हैं, नंबर। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकती हूँ, अगर यहाँ पे भी नंबर हो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहीं पे लिख रही हूँ। जैसे मैंने टू लिख दिया, पेरेंथेसिस क्लोज और एंटर, ठीक है। तो ये मुझे इसने इसका ए टेन निकाल दिया। अगर इसी का मैंने एंगल फाइंड करना है तो मैं डिग्रीज को यूज करके इसका एंगल फाइंड कर सकती हूँ। दो तरीके आपको बताऊंगी, एक तो डिग्रीज, ठीक है, ए टेन, ठीक है, डिग्रीज ए टेन हो गया हमारे पास। इसमें वही जो हमने नंबर दिया है वो हो गया, पेरेंथेसिस क्लोज इसका और डिग्री का, और एंटर किया तो ये देखिए 63.4 डिग्री ये बनता है, तकरीबन 63 डिग्री बनता है टू पे, ठीक है। इसी तरह से एक और तरीका आपको मैं 8 डिग्री का बताती हूँ, इक्वल्स टू ए टेन, जिसमें मीन के एंगल निकालने का कह सकते हैं। उसमें डिग्री का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम ए टेन जो भी हमारा नंबर है वो हमने दिया, इसका पेरेंथेसिस क्लोज, हिस्टेरिक का साइन 180/π, ठीक है, पेरेंथेसिस इसके क्लोज हो गए और ये ए टेन का क्लोज हुआ और एंटर कर दिया। इसको हम यस कर देते हैं तो ये देखें 63 डिग्री। तो इस तरीके से हम ए टेन को का अगर हमने जो भी वैल्यू है उसका एंगल निकालना हो तो इन दो तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ए टेन टू की, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है। सबसे पहले वो जान लें, किसी भी स्पेसिफाइड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रेडियन जो के माइनस पाई और पाई हो, और इसमें माइनस पाई को छोड़ के किसी का भी आर्क टेंजेंट कैलकुलेट हम करते हैं, यानी कि माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यू हो मगर माइनस पाई ना हो, ठीक है, आर्क टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। वैसे ही है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा डिफरेंट है ये, ए टेन टू पेरेंथेसिस ओपन। तो यहाँ पे देखें, एक्स नंबर वाई नंबर दो नंबर हमसे एक तरह से मांग रहा है, दो नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज -1, 1 मैंने एक नेगेटिव दिया और एक पॉजिटिव दिया, पेरेंथेसिस क्लोज और एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिग्रीज हम निकाल के देख लेते हैं, इक्वल्स टू ए टेन टू, ये रहा ए टेन टू, ठीक है, -1, 1 पेरेंथेसिस क्लोज, हिस्टेरिक 180/π। अब पाई के पेरेंथेसिस हम करते हैं क्लोज और ये ए टेन का किया क्लोज और एंटर किया, इसको हम यस कर देते हैं तो ये 135 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है। अगला जो है वो इससे भी ज़्यादा सिंपल आ जाता है, ए टेन एच, ये एक तरह से हाइपरबॉलिक इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको भी हम सिंपल तरीके से देख लेते हैं, इक्वल्स टू ए टेन एच ये रहा, ठीक है। ये इस तरह से आप सेलेक्ट करके टैब का बटन दबा दें तो आपका वो लिखा आ जाता है, नंबर मांग रहा है, ठीक है। हम एक बात सच में आपको बताना भूल गई, इसमें आपके पास रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, -1 से 1 के बीच में, मगर -1 और 1 को छोड़ के, ठीक है, -1 और 1 को छोड़ के बाकी इनके बीच में जो भी नंबर आता है आप वो लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ 0.5, पेरेंथेसिस क्लोज एंटर। तो ये देखें इसने मुझे निकाल के दे दिया, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूलाज थे मैथ्स एंड ट्रिक के, होपफुली आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।